नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय भदौरिया। विजय बिजनेस आइडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर हम बिजनेस शुरू करने वाले हैं, कर दिया है, पर मैं जीएसटी कैसे लें, जीएसटी कैसे फाइल किया जाता है, जीएसटी का कैसे बेनिफिट होता है और किस प्रकार से आप बहुत ही सरल तरीके से जीएसटी ले सकते हैं, यह संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। आज हम मिलने आए हैं एडवोकेट जितिन पोरवाल जी से। ये आपको जानकारी देंगे कि किस प्रकार से जीएसटी के लिए रजिस्ट्रेशन करें, जीएसटी में क्या क्या बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं और संपूर्ण जानकारी आज आपको देंगे। तो सर जी नमस्ते। सर नमस्ते भैया। सर हमारे दर्शकों को बताइए कि जीएसटी सबसे आसान तरीके से कैसे ले सकते हैं। आप सबसे पहले www.gst.gov.in पर जाएं जी। वहां पर जाते ही रजिस्टर्ड नाउ का ऑप्शन होता है जी। रजिस्टर्ड नाउ ऑप्शन पर पहुंचेंगे, फिर पूछेगा आप टैक्स पेयर हैं, टैक्स डिडक्टर हैं, टैक्स कलेक्टर हैं, टैक्स प्रैक्टिशनर हैं, नॉन है, ये कई तरीके से ऑप्शन आएंगे जी। सर आप इंडिविजुअल ले रहे हैं तो टैक्स पेयर पे ऑप्शन जाएंगे, फिर स्टेट पूछेगा, स्टेट आप भर दें, जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं उत्तर प्रदेश, नागालैंड से हैं नागालैंड, महाराष्ट्र से हैं महाराष्ट्र, फिर ये डिस्ट्रिक्ट पूछेगा जी। डिस्ट्रिक्ट पे आ जाएं, डिस्ट्रिक्ट जैसे इटावा है, इटावा या अन्य कोई भी डिस्ट्रिक्ट आप ले सकते हैं जी। सर फिर ये आपसे पूछेगा कि आपका नाम क्या है, नाम वही डालेंगे जो पैन कार्ड पे लिखा है। अच्छा अच्छा। फिर उसके नीचे पूछेगा परमानेंट अकाउंट नंबर, जो आपका पैन नंबर होगा उसके नीचे पैन नंबर डालेंगे। फिर ये पूछेगा ईमेल आईडी, उसके बाद आपसे मोबाइल नंबर जी। सर फिर एक इमेज आएगी, वो इमेज पे करेक्टर लिखे होंगे, वो लिखकर आप प्रोसीड कर दें जी। सर प्रोसीड करने के बाद एक ओटीपी जाएगी दोनों मोबाइल पर और मेल पर जी, दोनों पे जाएंगे, दोनों को आप वेरीफाई करें जी। वेरीफाई करने के बाद फिर एक TRN नंबर जनरेट होगा जी, TRN नंबर टेम्परेरी रेफरेंस नंबर जी, वो नंबर डालेंगे इस पे, फिर इसको वही बिलो करेक्टर भरेंगे और प्रोसीड कर देंगे, आप लॉगिन हो गए। अच्छा, अब इसमें मस्टेड क्या जरूरत है पेपरों की, पहले नंबर आधार कार्ड आपका कंपलसरी, अच्छा पैन कार्ड ठीक है, एक कलर फोटो ठीक है, बैंक की डिटेल ठीक है, और व्यापार स्थल जो भी आपका होगा जी उसका बिजली का बिल, अगर आपने किराए पे ले रखा है बिजली का बिल, रेंट एग्रीमेंट, अगर आपके पैतृक है जी जगह, तो आप अपनी एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जिसे शॉर्ट में NOC कहते हैं वो बना लीजिए, कि वो ये लिख के दे देंगे आपको कि मुझे किसी प्रकार का एतराज नहीं है, आप रजिस्ट्रेशन करा लें। अच्छा, NOC कहाँ से बनेगी सर? NOC कहीं से ही बना लें, स्टाम्प लीजिए जी, उस पर लिख लीजिए, एफिडेविट लिख लीजिए कि भाई मुझे एतराज नहीं है जी, और वो उसी को आप नोटराइज करा लें और उसको सबमिट कर दें। अच्छा हाँ। और से जो ये GST में जो अकाउंट नंबर लगेगा, खाता नंबर हाँ बैंक का, तो वो करेंट होना चाहिए या सेविंग होना चाहिए? आप दोनों लगा सकते हैं, लेकिन आप रजिस्ट्रेशन लेने का GST नंबर मिलने के बाद आप करेंट अकाउंट खुलाएं, विद इन 15 दिन में खुल जाता है जी, खुलने के बाद उसको ही अपलोड करा दें। अच्छा, लेकिन हम इसलिए ले लेते हैं कि वो हम आपको बता दे रहे हैं कि कभी कभार क्या होता है, जैसे आपने रजिस्ट्रेशन लिया जी, तो वो रजिस्ट्रेशन लेने के बाद आप आए ही नहीं मेरे पास जी, अब पता चलता है उस पर 50,000 की पेनल्टी है, तो पेनल्टी बजाने के लिए वो बैंक अकाउंट जो ले लेते हैं वो अपलोड कर देते हैं। दोस्तों क्या होता है कि शुरुआत में आपके पास करंट अकाउंट नहीं होता है तो उस समय शुरुआत में लगा सकते हैं, लेकिन 15 दिन के अंदर आपको करंट अकाउंट खोलना होता है और वो आपको अपडेट करना होता है, ये अनिवार्य है। हाँ, ये अनिवार्य है, नहीं तो उनके हिसाब से जुर्माना लग सकता है। अच्छा सर, एक चीज बताइए कि अपना GST का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन स्वयं करना अच्छा रहता है या किसी एडवोकेट जैसे कि आप हैं उनके द्वारा कराना? आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, किसी कर सलाहकार से कर सकते हैं, किसी CA से भी कर सकते हैं और आप सेल्फ भी कर सकते हैं, लेकिन सेल्फ करने में कभी कभी कुछ परेशानी भी आ जाती है। हाँ, परेशानियाँ आ जाती हैं, कभी कभार क्या होता है अधिकारी क्वारी लगा देते हैं जी, वो क्वारी कंप्लेंट का वो क्वारी आप ना कर पाए, वो जो अधिवक्ता यानी जो एडवोकेट होते हैं और CA लोग, CA वर्ग होता है, वो उन चीज़ों से रोज निकलता है जी जी, तो वो अपने आराम से वो क्वारी कंप्लीट कर लेता है। तो इसके लिए आप कोशिश कीजिए कि किसी CA से संपर्क करें। और सबसे बड़ा साधन है कि आज के समय ऑनलाइन माध्यम है, अगर आप कहीं पर भी रहते हैं जैसे हमारे सर हैं, तो आप चाहें तो इनसे भी डायरेक्ट कहीं से भी कॉल कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, एनी टाइम आप कॉल कीजिए, तो ये आपको सर्विस दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप वहां से आप GST ले सकते हैं, बिजनेस आप करना चाह रहे हैं। अच्छा सर, एक चीज बताइए, GST कितने प्रकार की है? GST सिर्फ दो प्रकार से है जी सर, एक तो रेगुलर और एक कंपोजिशन। दोनों में फर्क क्या है सर? कंपोजिशन छोटे व्यापारियों के लिए है, जो व्यक्ति बुक्स अधिक नहीं रखना चाहते हैं, मेंटेन नहीं करना चाहते हैं, वो ये सेल पर उन्हें 1% टैक्स दे देंगे सीधा सीधा।
अच्छा, जैसे सपोज दैट मैंने 1,00,000 रुपए का माल खरीदा जी और उसको 1,50,000 में बेचा जी, तो 1,50,000 पे मुझे सिर्फ 1% टैक्स देना है जी, जो करीब 1,500 रुपये होता है जी। जी 1,500 रुपये आपको पेड करना है। यही अगर रेगुलर होगा तो रेगुलर में जो 50,000 रुपये का जो डिफरेंस है 1,00,000 और 1,50,000 के बीच में जी, उस पर टैक्स देना है। अब टैक्स इसमें भी वेरिएंट है, इस समय इसमें 5%, 3%, 12.5%, 18% और 28% चल रहा है। जिस परसेंट की जोन सी वस्तु होगी उतना परसेंट आपको टैक्स देना है, वो आपकी जो आय हुई है उसमें से देना है। आय में नहीं, परचेज और सेल के जो बीच का डिफरेंस है उसमें से देना है, उसमें देना है। यानी टोटल जो आपने जैसे कि 2,00,000 लगाया, 2,00,000 पे नहीं देना है। 2,00,000 पे नहीं देना है। जैसे सपोज दैट आपने 1,00,000 रुपए का माल खरीदा जी, जी, जी। उसमें 10,000 रुपए आपने भाड़े के दिए जी, 20,000 रुपए आपने लेबर दी जी, 20,000 रुपए आपने मुनाफा का रखा, ऐसे 50,000 रुपए आपने उसमें ऐड किए जी, तो इस 50,000 रुपए के अमाउंट पे आपको देना है टैक्स। दोस्तों ज्यादातर लोग यहाँ कंफ्यूजन में रहते हैं कि हमने अगर 5,00,000 का माल लिया तो उसमें 5,00,000 रुपए में टैक्स देना होगा, ऐसा नहीं होता है। 5,00,000 का माल अगर आप 6,00,000 में सेल कर रहे हैं तो जो 1,00,000 रुपया है आपका, जो आपने प्रॉफिट लिया, टोटल जो आपने सेल किया है, उस 1,00,000 पे आपको GST देनी है। हाँ। तो यहाँ पर ये फर्क होता है, बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में रहते हैं। अच्छा सर एक चीज बताइए, जो रेगुलर GST है उसकी मतलब कि मिनिमम कितनी सेलिंग होती है, मतलब कितने तक कर सकते हैं? कंपोजिशन के लिए 1,00,000 पर 1,50,000 है और उस रेगुलर के लिए कोई सीमा नहीं है। यानी कंपोजिशन 1,50,000 रुपए तक का आप कर सकते हैं। हाँ। और रेगुलर की मतलब कि थोड़े से लेके अनलिमिटेड, जीरो से लेके अनलिमिटेड, जितने भी हो वो हिसाब से कर सकते हैं। जैसे ही आप कंपोजिशन में 1,50,000 क्रॉस करते हैं वो भी आप रेगुलर में ही ट्रांसफर हो जाते हैं। अच्छा अच्छा, तो ये भी एक बात है कि अगर आप 1,50,000 से ऊपर जाते हैं तो ऑटोमेटिक आप रेगुलर में आ जाएंगे। अच्छा सर, जो GST का खर्चा होता है मासिक कितना पड़ता है? मासिक अगर आप सेल करते हैं तो कोई खर्चा नहीं है। अच्छा। हाँ, और जनरली अगर कोई दूसरा बंदा करता है तो वो अपनी फीस ले लेगा। अच्छा फीस तो लेगा। हाँ। लेकिन कम से कम किसी प्रकार का कोई गलती होने की संभावना तो नहीं होगी ना? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। और जब सेल्फ करेंगे कहीं कोई गलती तो हो रही है? उसकी जानकारी है, क्योंकि रूल रोज चेंज होते हैं, नोटिफिकेशन रोज आए दिन आते हैं। मेरी एक सलाह यही रहेगी कि आप अपनी एक्सपर्ट से कराएं। हाँ, जहां पर भी आप रहते हैं कोशिश कीजिए कि एक्सपर्ट से सलाह लेके ही इस काम को करें। हाँ, क्योंकि जरा सी भी गलती कभी कभी भारी पड़ जाती है। आप भले ही प्योर सही हैं, आपने कहीं गलती नहीं की है, लेकिन जब डॉक्यूमेंट आप भर रहे हैं, कुछ जानकारी भर रहे हो, तो गलती हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि रूल रोज चेंज हो रहे हैं। हाँ, तो इस चीज को गौर करना है। मैं सर जी का नंबर दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से सर जी को कॉल कर सकते हैं, और भी GST से संबंधित कोई भी प्रश्न है आपके मन में उसको पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। और अगर आप चाहें तो सर से भी, कहीं पर भी ऑल ओवर इंडिया रहते हो, GST यहां से भी ले सकते हैं, कहीं से भी करा सकते हैं। ऑनलाइन माध्यम है, सबसे आसान तरीका है कि आप संपर्क करें, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दें और ये यहाँ से आपको GST बना के दे देंगे। और मासिक आप उसका रिटर्न भी दाखिल कर सकते हैं घर बैठे, चाहे जहाँ रह रहे हो। आपको जरूरी नहीं है इनके पास आके मिलना है। तो इस प्रकार से आप GST ले सकते हैं और बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।